हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी बी टॉनिक। आज मैं आपको सिखाऊंगी आप ऐसे किस तरीके से पफ बनाएं कि वो पूरे दिन ना बिगड़े। पफ बनाना सबसे ज्यादा उन गर्ल्स को पसंद होता है जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं, स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं, क्योंकि उन्हें आधे से ज्यादा टाइम तक अपने बाहर रहना होता है। फिर शाम तक वो इस तरह से पफ बनाती कि शाम तक वो पिचक जाता है, बेकार हो जाता है। तो आज मैं इस तरीके से बताऊंगी आपको कि आपका पूरे दिन पफ बिगड़ेगा नहीं और बहुत अच्छा भी बनेगा, आपको देख के वो पसंद भी आएगा। तो आज की वीडियो आपके लिए तो इंटरेस्टिंग होगी ही होगी, तो चलिए आज वीडियो शुरू कर। यहाँ जितने बालों का मुझे पफ बनाना है उतने बालों को मैंने निकाल लिया है। आप चाहे तो कम बाल भी निकाल सकते हो अगर आपको छोटा पफ बनाना है। अगर ज़्यादा बड़ा बनाना है, आधे बालों का बनाना है, तो आप उसी हिसाब से अपने बालों को निकाल सकते हो एंड बाकी के बालों को पीछे करके अच्छी तरीके से कॉम करके कॉम करने के बाद मैं इसमें रबड़ बैंड लगा लूँगी। अच्छी तरीके से कॉम हो जानी चाहिए, उलझे ना बाल बिल्कुल भी। हम देख सकते हैं किस तरीके से करना है। मैंने एडिटिंग या फिर मैंने स्पीड नहीं किया है इसलिए, ताकि आप एक एक चीज़ अच्छी तरीके से समझो, इसलिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने अलग कर लिए बालों को। यहाँ मैंने रबड़ बैंड लगा लिए। अब जितने बालों का मुझे पफ बनाना है उन बालों को अच्छी तरीके से कॉम करने के बाद मैं अब क्या करूँगी, एक एक पार्ट देखिए गाइज, मैंने सेंटर का पार्ट भी लिया है, क्योंकि आप सेंटर का पार्ट नहीं लोगे तो फिर आपका पफ बनेगा तो बीच में से जगह खुलेगी, इसलिए सेंटर में भी आपको लेके बालों बैक कॉम्बिंग करनी है। और बैक कॉम्बिंग ना अच्छी तरीके से करनी है ताकि हमारा पफ थोड़ा सा हार्ड बने। बैक कॉम्बिंग करने से ऐसा कुछ नहीं होता कि बाल उलझ जाते हैं, सुलझते नहीं हैं, 2 मिनट में बाल सुलझ जाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो इसलिए बैक कॉम्बिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब बैक कॉम्बिंग अच्छी तरीके से करना है, बस इस तरीके से। देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ, छोटे छोटे बालों का पार्ट लेना है और बैक कॉम्बिंग करनी है। आप एक साथ बालों को लेके और फिर बैक कॉम्बिंग करोगे तो पफ अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए थोड़े थोड़े बालों को लेना है और फिर इस तरीके से बैक कॉम करना है। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से कर रही हूँ, आपको भी उसी तरीके से करना है। अब दूसरी तरफ के इसी तरीके से बालों को लेके फिर मैंने बैक कॉम्बिंग किया। देख सकते हो थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके अच्छी तरीके से किस तरीके से मैं बैक कॉम कर रही हूँ, इसी तरीके से छोटा छोटा पार्ट लेके। बैक कॉमिंग अच्छी तरीके से होनी चाहिए तभी पफ भी अच्छी तरीके अच्छा सा बनेगा, नहीं तो आपका पफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। ये देखिए हो चुका है, बाल अभी बेकार लग रहे हैं लेकिन अभी कॉम करने के बाद अच्छे लगने लग जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉम करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से कॉम्बिंग करनी है, एकदम हल्के हाथों से करनी है, क्योंकि आप अगर आप तेज हाथों से कॉम करोगे तो आपका पफ भी खराब हो जाएगा और बैक कॉम्बिंग भी खराब हो जाएगी जो आपने की हुई है, तो इसलिए बहुत स्लोली स्लोली एंड हल्के हाथों से करनी है। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से कर रही हूँ, एकदम अच्छे तरीके से। जब तक अच्छे तरीके से सारे बाल नहीं कॉम हो जाते हैं तब तक अच्छे तरीके से करेंगे आप कॉम। देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ, देखिए अभी अच्छे तरीके से कॉम हो चुके हैं मेरे बालों पर। देख सकते हैं किस तरीके से कितनी फिनिशिंग में कॉमिंग किया मैंने, बिल्कुल जितना बैक कॉम्बिंग किया था वो सारा छिप गया है, अब एकदम फिनिशिंग आ चुकी है। अब मैंने इन बालों को लेके थोड़ा सा हल्का सा टर्न किया है, ट्विस्ट किया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर
साइड पिन लगा दूंगी, पिनअप कर दूंगी अपने बालों को। देखिए किस तरीके से मैं पिनअप कर रही हूँ अपने बालों को। और एक पिन से और सेट कर दूंगी। ये हो चुका है सेट अच्छी तरीके से। देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से पफ बनाए, बिल्कुल भी कहीं से बिगड़ा नहीं है। और बहुत देखिए इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, देखिए एकदम अच्छी तरह से। अब ये पफ पूरे दिन बिगड़ेगा नहीं, एकदम नहीं खराब होगा, ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज जैसे छोड़ा है। अगर आपके पास हेयर स्प्रे है तो आप हेयर स्प्रे भी कर सकते हो, तो उससे और भी अच्छी तरीके से रहेगा। अब यहाँ मेरा कंप्लीट हो चुका है पफ, देखिए किस तरीके से बनाए एकदम फिनिशिंग से, बहुत अच्छे तरीके से।